बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुबहानु ताला। यस्टरडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। आई होप यू हैव डन इट इन योर नीट रजिस्टर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। Same here, we will find volume of solids. Question number 5, circular cone with radius of base is 3 cm, altitude is 10. Find हमने volume of solid ही करना है, लेकिन किस चीज़ solid क्या है? This is circular cone. अब हमारे पास यहाँ given जो चीज़ें हैं वो write कर लेते हैं. This is radius, radius is 3 cm. Write करते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन। सर्कुलर कोन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, इट्स 3 cm। नेक्स्ट वन इज ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड ऑफ सर्कुलर कोन, या सिंपल आप ऑल्टीट्यूड लिख लें, दिस इज एच, दिस इट्स 10 cm। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन, ठीक है। अब हम वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन का फार्मूला पुट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/3 πr² h। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका? वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन का। पुट करते हैं 1/3 एज इट इज, पाए दिस इज 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर इज 3 देन होल स्केयर एंड h इज 10। अब मैंने यहाँ पे भी यूनिट्स राइट नहीं किए हैं। 3 को 2 टाइम्स राइट कर लें या स्केयर कर लें, इट्स अप टू यू। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, 3 का स्केयर 9 मल्टीप्लाई 10, 3 का स्केयर 3 मल्टीप्लाई 3, दिस इज 9। कटिंग कर लें, 3 1s are 3 9s are। अगर कटिंग नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व कर लें, 22 3s are, दिस इज 66, 66 को 10 से करें, दिस इज 660 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी, 660 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइड कर लेते हैं। 660 डिवाइडेड 7, दिस इज 94.28। तो 8 आ रहे हैं, हम 2 को इंक्रीज कर देंगे, यानी 94.3 ले लेते हैं। ठीक है जी, सो हमारे पास जो आंसर आएगा, दिस इज 94.3 cm, क्योंकि हमारे यूनिट्स यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहे हैं और वॉल्यूम होने की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यूब। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही करना है, लेकिन क्या है? स्फीयर विद रेडियस 3 cm। हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है 3 cm, वो हम राइट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर, सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आर से, 3 cm। फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम फार्मूला पुट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास फार्मूला होता है 4/3 π
पाई आर क्यूब, ठीक बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। आपको यहाँ पे फार्मूलाज याद होने चाहिए ताकि जब आप फार्मूलाज पुट करें तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्फीयर का पता होना चाहिए, सर्कुलर कोन का पता होना चाहिए, इनमें बस आपको लर्निंग है फार्मूलाज की, ठीक है। देन हम पुटिंग करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। 4/3 एज इट इज़, पाई दिस इज़ 22/7। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने पाई की वैल्यू नहीं दी हुई। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि वो ज़रूरी नहीं है कि आपको पाई की वैल्यू देंगे, ठीक। तो आपको खुद ही से पता होना चाहिए। आर, आर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 3 क्यूब, ठीक। ओपन कर लेते हैं, दिस इज़ 4/3, 22/7। अब 3 क्यूब, पहले भी मैंने आपको बताया था 3 3 9 नहीं होगा। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ 3 को हमने 3 times मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। कटिंग करना चाहते हैं कटिंग भी कर लें, अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके सिंपल डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। 4 को मल्टीप्लाई करें 22 से, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 4 × 22 × 27, दिस इज़ 2 3 7 6, डिवाइडेड बाय 7 3 21, ठीक है। और अगर कोई बच्चे यहाँ पे कटिंग करना चाहते हैं 3 1 3 9 27, ये भी ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है, जैसे आपको इजी लगता है। डिवाइड कर लेते हैं 2 3 7 6 डिवाइडेड बाय 21, जी हमारे पास आंसर आ रहा है 113.14, ठीक है जी, 113.14। यूनिट्स हमारे सेंटीमीटर चल रहे हैं तो यहाँ भी हम सेंटीमीटर लगाएंगे। और वॉल्यूम है, यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और इसके लिए हम पावर क्या आ जाएगी इसके ऊपर, क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम की वजह से यहाँ पे हम क्यूब यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर होगा। नोट डाउन योर डायरी, एक्सरसाइज नंबर 9.3, क्वेश्चन नंबर 5 and 6, दीज 2 questions आर योर होमवर्क, ठीक है बच्चों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।